गौतम बुद्ध की परंपरा को आगे बढ़ाने वाले तमाम संत गुरु और आधुनिक भारत में ज्योतिबा फूले, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और इन सब की विरासत को हकीकत की सरजमी पर उतारने वाले मानवर कांशीराम को नमन करते हैं। और इसी के साथ बहुजन समाज में जो जागरूकता आई है, आपकी यहाँ मौजूदगी बहुजन समाज की जागरूकता का परिचायक है और आप इस आंदोलन की एक अहम कड़ी है, इसलिए आप सबको भी नमन करते हैं। साथ ही साथ इस प्रोग्राम के अध्यक्ष रहे डॉक्टर विनोद कुमार जी, उद्घाटक माननीय राजेंद्र प्रसाद जी और मुख्य अतिथि प्रोफेसर ज्योतिराम यादव जी और विशिष्ट अतिथि अनिल कुमार जी और श्रद्धेया उद्यानवासी जी, इन सबको भी मैं धन्यवाद देता हूं। और हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि आज हम प्रोफेसर ज्योतिराम सर को सुनेंगे, ये हम लोगों के लिए बड़े गर्व की बात है क्योंकि सर का दलित विमर्श पर और साहित्य पर बहुत ही बेहतरीन अनुभव है और उनके जीवन का जो कह सकते हैं लेखा जोखा जो उन्होंने साहित्य को देखा है उसको आज हमारे सामने रखेंगे, हम लोग सीखेंगे उससे कि सर ने सर का क्या योगदान रहा है और हम कैसे देखते हैं बहुजन समाज का और बहुजन साहित्य, खासकर दलित साहित्य, मुख्य धारा साहित्य में कहाँ खड़ा है, कैसे चल रहा है, ये सब सीखने का मौका मिलेगा। इन सब के लिए मैं सर को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। फिलहाल जैसा कि कहा गया है कि हर चीज़ को मद्देनजर रखते हुए आज फिलहाल मानवत कांशीराम साहब का परिनिर्वाण दिवस है। यहाँ सबसे अहम कड़ी ये है कि परिनिर्वाण दिवस, जहाँ तक हमें जानकारी, निर्वाण का मतलब होता है संसार के दुखों से और बुराइयों से मुक्ति। इंसान जब अपने जीते जी इन बुराइयों और दुखों से मुक्ति को पा जाता है तो उसका जीते जी निर्वाण हो जाता है, क्योंकि इस तथा के गौतम बुद्ध इनको अपने जीते जी निर्वाण प्राप्त हुआ था, बाबा साहब को जीते जी निर्वाण प्राप्त हुआ था, क्योंकि जो बुराइयाँ थी जो इंसान के अंदर दुख के कारण हो सकते हैं उनसे कहीं ना कहीं ये सब वाकिफ थे और उन सब के लिए संघर्ष करते हुए खुद उससे मुक्त रहे। इसलिए जो परिनिर्वाण आम आदमी का निर्वाण जो होता है मरने के बाद होता है, क्यों? क्योंकि मरने के बाद दुख और किसी अन्य तरह की बुराई उसको जकड़ नहीं सकती है, इसलिए सामान्य तौर पर उनके लिए निर्वाण मृत्यु के बाद होता है। लेकिन जो बुद्धिस्ट की परंपरा रही है यहाँ पर मृत्यु ना होकर लोगों का निर्वाण, परिनिर्वाण और महापरिनिर्वाण होता है। फिलहाल माधव कांशीराम साहब के परिनिर्वाण दिवस के इस अवसर पर जो ये विचार संगोष्ठी है जो स्पेसिफिक कल्चर पर, संस्कृति पर आधारित है, उसके एक पहलू को हम यहाँ पर रखना चाहेंगे और उस पहलू को रखने से पहले यहाँ पर कई सारे माता पिता हैं, बच्चे हैं, गार्जियंस हैं जो कि पढ़ाई लिखाई से जुड़े हुए हैं, तो मैं उनको कुछ उदाहरण दे देकर उस संस्कृति से वाकिफ कराने की कोशिश करूँगा। संस्कृति वैसे बहुत बड़ा आयाम होता है, इसका बहुत बड़ा आयाम है, लेकिन इस आयाम को छोटे छोटे टुकड़ों में करके हम देखें और सीखें तो शायद बेहतरी के साथ समझ सकते हैं। उदाहरण के तौर पर शिक्षा, हमारे जितने महापुरुष रहे सबने शिक्षा पर जोर दिया है और पढ़ाई लिखाई पर जोर दिया है। कहीं ना कहीं जो राजनीति है या हमारा संविधान है, संविधान में जितनी संस्थाएं हैं उन संस्थाओं में जब हम भागीदारी की बात करते हैं तो सारी की सारी भागीदारी कहीं ना कहीं पढ़ाई लिखाई से जुड़ी होती है। और इसी को छोटे टुकड़े में करके देखे हमने एक पॉइंट बनाया है स्टूडेंट कल्चर इन इलाहाबाद। इलाहाबाद में हमारे आपके बच्चे पूरे यूपी से पढ़ने जाते हैं, वहाँ पर पढ़ाई का माहौल कैसा, क्या है, वो क्या पढ़ते हैं और उन्हें क्या चाहत है और समाज की क्या जरूरत है, ताकि वो जो पढ़ते हैं जो करते हैं उसकी समाज को जरूरत है लेकिन क्या वो काफी है, अहम सवाल ये है। जैसे हम सत्ता और संसाधन के हर पायदान पर अपनी भागीदारी की बात करते हैं, लेकिन अगर सर्वे किया जाए तो इलाहाबाद में पढ़ने वाले बच्चों को देखा जाए तो अधिकतर बच्चे चंद सरकारी सेवाओं तक ही सीमित रह जाते हैं। इसकी क्या वजह हो सकती, जैसे सिविल सर्विसेज हुआ, रेलवे हुआ, टीचिंग हुआ या इस तरह की दो चार सर्विसेज और हो सकती हैं, हमारा बहुजन समाज यहीं पर सिमट जाता है। इसी संस्कृति, स्टूडेंट की संस्कृति में इलाहाबाद एक छोटे दायरे में देखने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे हमारा प्रचार का माध्यम क्या होता है, अखबार और मीडिया। अखबार और मीडिया, हम कहते हैं हमारे लोग हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में नहीं है और संविधान हमारे लिए सबसे अहम सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दस्तावेज है। वो दस्तावेज हमारे पास है, हम पढ़ के जानकारी रखते हैं, हमारे लोग जानकार भी हैं, वकील भी हैं, लेकिन उस संविधान की जहां पर व्याख्या होती है वहां हमारे कितने लोग हैं। सबसे अहम प्रश्न ये है, संविधान को जानना समझना ही काफी नहीं है,
बल्कि उस संविधान की व्याख्या करने वाले पदों तक हमारे लोगों का पहुंचना जरूरी है। अब इसी पहुंचने का हमारे लोग संविधान के उस संस्था तक कैसे पहुंचे, ये पावर हालांकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट हायर जुडिशरी को प्राप्त है। एक उदाहरण मैं देना चाहूंगा, हमारे यहाँ जब आईएएस का रिजल्ट आता है, पीसीएस का रिजल्ट आता है, हम देखते हैं अखबारों में बड़े बड़े पोस्टर लगते हैं, बड़े बड़े फोटो निकलते हैं, इसने सिविल सर्विस आईएएस में टॉप किया, पीसीएस में टॉप किया। हमारा सवाल ये होता है कि अगर आप आईएएस में टॉप करते हैं तो आपकी फोटो फ्रंट पेज पे छपती है, आप बीए करने के बाद अगर आप यूपीएससी की सिविल सर्विस की परीक्षा क्वालिफाई करते हैं तो आप आईएएस बन सकते हैं, बन जाते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आपको अगर एडीजे बनना हो तो एचजीएस की परीक्षा के लिए एलएलबी के बाद 7 साल की रेगुलर प्रैक्टिस क्यों है, पहला सवाल। और दूसरा सवाल यह है कि जब एक बच्चा आईएएस में सेलेक्ट होता है तो उसकी फोटो बड़ी बड़ी अखबारों में दिखाई पड़ती है, मीडिया में दिखाई पड़ती है, लेकिन जब कोई एडीजे बनता है तो अखबारों में क्यों नहीं छपता है? ये अहम सवाल ये स्टूडेंट कल्चर को हम बता रहे हैं। थोड़ा सा लग रहा होगा मुद्दा भटक रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, हम बताना चाह रहे हैं हमारे बच्चे पढ़ क्या रहे हैं, समाज की जरूरत क्या है। आईएएस बहुतेरे मिल जाएंगे लेकिन हायर जुडिशरी में अपने लोग कम है, क्यों? यहाँ पर संस्कृति मीडिया की संस्कृति, मीडिया किस तरह किसकी मीडिया है, किस तरह अपने को हाईलाइट करती, ये हमें समझना है। मैं कहना चाहूंगा जिस नौकरी को आईएएस पीसीएस हम ये नहीं कहते, हर पद का अपनी एक गरिमा है, अपनी एक पहचान है और उसकी एक जरूरत है, लेकिन जब कंपैरेटिव में देखते हैं तो एग्जीक्यूटिव में हमारे सारे लोग हैं लेकिन व्याख्या करने वाले संस्थानों में हमारे लोग नहीं है। एक सिविल सर्विस आईएएस जो होता है वो एक एग्जीक्यूटिव एक कारिंदा होता है। और क्यों हाईलाइट किया जाता है, क्योंकि जो ऊपर बैठे हैं लोग वो ये जानते हैं कि अगर ये आईएएस बन भी गए तो ये वही करेंगे जो हम चाहेंगे। हम मतलब देश के जो राजनीति है, जो राजनीतिक सत्ता है, वहां पर जो हुक्मरान बैठा है वो किस तबके का है उसको पता है। अगर यहाँ पर हम बैठे हैं कारिंदा कोई होगा वो वही करेगा जो हम चाहेंगे। लेकिन अगर एडीजे की परीक्षा एक जेएस की परीक्षा जहां से लोग जिला जज अपर जिला जज बनते हैं और कुछ साल बाद वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचते हैं जिसमें उन्हें संविधान की व्याख्या करने की पावर मिलती है, अगर वहां हम गौर करें तो हम पाते हैं उसको अखबार दिलाई इसलिए नहीं दी जाती है क्योंकि इसको चर्चा का विषय नहीं बनाना चाहते हैं। अगर अखबारों में छपेगा कि आपका बच्चा एडीजे डीजे बन गया है तो वो चर्चा का विषय बनेगा और जब चर्चा का विषय बनेगा तो कहीं ना कहीं आप उस तरफ उन्मुख होंगे। इसलिए आपसे उन पदों को छुपाने के लिए आपको आपके सामने उस तथ्य को छुपाया जाता है कि मीडिया की संस्कृति है। आप समझिए उसकी संस्कृति में कितनी ताकत है। जो कारिंदे की नौकरी है वो आपके सामने हाईलाइट करके दिखाया जाता है, एक जिले का मालिक बैठा है, लेकिन पूरे संविधान की व्याख्या करने की जो पावर होती है उसको किनारे कर दिया जाता है। इस तरह से अगर देखा जाए इलाहाबाद में ही सर्वे कर लिया जाए एचजीएस को कितने बच्चे जानते हैं तो अगर 100 बच्चे हैं मुश्किल 20 से 25 बच्चे शायद ही जानते हैं। लेकिन आईएएस जो आईएएस की तैयारी नहीं कर रहा होगा वो भी आईएएस को जानता है, तो कहीं ना कहीं ये मीडिया की संस्कृति है। और दूसरा डेवलपमेंट संस्कृति विकास की संस्कृति, आज हमारे लिए जो विकास का पैमाना रखा गया है वो विकास का पैमाना है बड़ी बड़ी सड़कें चौड़ी सड़कें बड़ी बड़ी महल या इमारतें बड़े अस्पताल। अब यहाँ पर डेवलपमेंट की संस्कृति को देखना है। डेवलपमेंट क्या है, संस्कृति का मतलब होता है एक जीवन शैली, और उस जीवन शैली को जब समझना और देखना हो तो जीवन शैली कहीं ना कहीं किस तबके को प्रभावित करती है और किस तबके के लिए रखी गई है ये महत्वपूर्ण होता है। जैसे अगर हम ये कहते हैं यहाँ चौड़ी सड़कें हैं ऊंची ऊंची महलें हैं और यहाँ पर बड़े बड़े होटल हैं और आलीशान अस्पताल हैं, हाईटेक टेक्नोलॉजी यहाँ पर है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है अस्पतालों की या विकास की इस संस्कृति में हमारा कितना योगदान है। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये है जिसे हम विकास समझते हैं, अगर यहाँ बड़े बड़े अस्पताल स्थापित हो भी जाते हैं तो क्या हमारी इतनी हैसियत है कि उसमें हम दवा करा सकें। अगर इस देश की एक बहुतायत आबादी उस अस्पताल की चौखट तक भी नहीं पहुंच सकती है वो अस्पताल हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता है। इसलिए विकास की परिभाषा को अपने संदर्भ में समझने की जरूरत है। और तीसरा पॉइंट, अंबेडकर पार्क पर चर्चा हो चुकी है, अंबेडकर पार्क पर हम एक
अलग भी जो मुझे समझ में आया अंबेडकर पार्क क्या है हमारे लिए, उसका विरोध क्यों हुआ। किसी भी समाज की जब अपनी पहचान को स्थापित किया जाता है तो उस पहचान को मिटाने की एक साजिश होती है, इसलिए उसका विरोध किया जाता है। और एक आम आदमी के लिए अंबेडकर पार्क को मैं कुछ इस तरह से कहना चाहता हूं, या इस तरह के जितने भी बहुजन स्मारक हैं, इमारतें हैं, उनके संदर्भ में कहना चाहते हैं कि अगर